गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर आई एम आशा अग्नोत्री आई विल टीच यू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट आज आप लोगों का सेकेंड चैप्टर चल रहा था और हम लोग उसी के आगे रीड करते हैं आप लोगों का यहाँ तक हो गया था आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप रीड करेंगे कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप में सबसे पहले आपको ये बताया था स्क्रीन खुलती है विंडोज़ की इसमें सबसे पहले जो विंडोज़ की स्क्रीन खुलती है फर्स्ट स्क्रीन जो होती है वो डेस्कटॉप कहलाती है और ये छोटे छोटे पिक्चर्स है आइकन कहलाते हैं और यो जिसमें कि प्रोग्राम्स होता है आइए नीचे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप फर्स्ट है आइकन आइकन आर स्मॉल ग्राफिकल सिंबल which are available as a shortcut to use a program icons are used to provide a symbol representation of any system user defined objects such as file and folder different type of objects are represented by a specific type of icon the different type of icon which appear on the desktop are डिस्कस ऑन नेक्स्ट पेज आइकन ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स के रूप में होते हैं जो एक प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में उपलब्ध होते हैं आइकन का उपयोग किसी भी प्रणाली या यूजर करता यूज़र जो है जैसे फाइल और फोल्डर आइकन का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए किया जाता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक विशेष प्रकार के आइकन द्वारा दर्शाया जाता है विभिन्न प्रकार के आइकन जो डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देते हैं हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे सिस्टम आइकन दिस आइकन आर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप टू परफॉर्म वेरियस टास्क रिलेटेड टू द सिस्टम दे डू नॉट अलाउ परफॉर्मिंग एनी टास्क डायरेक्टली बाई द यूजर दे अपियर ऑन द डेस्क टॉप एज सुन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड इन द मेमोरी विज माई कंप्यूटर रिसाइकली बिन और माई डॉक्यूमेंट सिस्टम आइकन ये जो आइकन होते हैं सिस्टम आइकन ये सिस्टम से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए डेस्क टॉप पर मौजूद होते हैं ये यूज़र द्वारा सीधे किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं देते हैं जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड होता है वे डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं जैसे माई कंप्यूटर रिसाइकलिंग मेन और माई डॉक्यूमेंट ये सिस्टम आइकन दिए हैं सिस्टम आइकन यहाँ पे ये सिस्टम आइकन कहलाते हैं Second, application icon. Next, application basically, these icons are application software which are made available on the, on the desktop. They help to run the application directly by the user. This is done just by making a double click on the icon, for example, MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. Application icon. मूल रूप से ये आइकन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र द्वारा एप्लीकेशन डायरेक्टरी को चलाने के लिए डेस्कटॉप की पर उपलब्ध कराया जाता है इनको इसमें जैसे क्या कौन कौन से हैं एम एस एक्सल है एम एस वर्ड है एम एस पावर पॉइंट हैं ये सिर्फ आइकन पर एक डबल क्लिक करके इनको चलाया जाता है डॉक्यूमेंट आइकन दिस आइकन आर मेड अलेबल ऑन द डेस्कटॉप टू रन एनी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट सेव द टाइम रिक्वायर टू एक्टिवेट द अप्लीकेशन पैकेज जो डॉक्यूमेंट आइकन होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को साधारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ सीधे चलाने के लिए डेस्कटॉप पर उपलब्ध कराए जाते हैं यह अप्लीकेशन पैकेज को एक्टिव करने के लिए बराबर समय बचाता है अब अरेंजिंग अरेंजिंग आइकन फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप आपके जो आइकन डेस्कटॉप पे दिए होते हैं उनको कैसे अरेंज करते हैं उनको अरेंज करते बाय नेम बाय साइज बाय आइटम टाइप और बाय डेट मॉडिफाइड जो आइकन होते हैं उनको नेम के अकॉर्डिंग अल्पाबैटिकली ए टू जेड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो आइकन और फोल्डर जो भी दिए होते हैं उसमें और साइज के हिसाब से कौन किसका साइज़ छोटा बड़ा उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो आइटम टाइप के हिसाब से कौन सा आइटम पहले आएगा वह उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो और डेट के अकॉर्डिंग भी आप उसको मॉडिफाई या उस चेंज कर सकते हो उसके हिसाब से भी आप कौन सा पहले किस डेट को पहले हुआ था वो साफ पे अरेंज कर सकते हो अब व्यूविंग आइकन इंक्रीज़ और डिक्रीज द साइज़ ऑफ द आइकन द सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी इंक्रीज डिक्रीज द साइज आइकन डेस्कटॉप अकॉर्डिंग दू द नीड टू द यूजर द साइज ऑफ़ आइकन में बी चेंज इन परफॉर्म दैट राइट क्लिक द डेस्कटॉप सेलेक्ट व्यू विच द फॉलोअ बाय द साइज ऑफ़ द आइकन विच लार्ज आइकन मीडियम आइकन एंड स्मॉल आइकन साइज के हिसाब से जो आइकन का है आपको साइज इस्माल छोटा भी कर सकते हैं बहुत लार्ज भी कर सकते हैं और उसको मीडियम भी साइज कर सकते हैं डेस्कटॉप पे आइकन या फोल्डर जो तो आपको अरेंज करना होता है तो डेस्कटॉप पे विभिन्न आइकन आप देख सकते हैं उसको आप जो भी उसका आइकन है उसको साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको छोटा बड़ा और मिडल साइज़ का कर सकते हैं कंप्यूटर ऑन द डेस्क टॉप वन द आइकन इज कम्प्यूटर वैन यू डेस्क डबल क्लिक कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए माउस दैन वी सो कंटेंट ऑफ सिस्टम इन टू डिफरेंट पेंस जो कंप्यूटर आइकन होता है उसको डबल क्लिक कर करना होता है और इससे सिस्टम की सभी सामग्री जो होती है उसके दो अलग अलग पैन में उसको दिखाई देते हैं ये देखिए आपको आ, इसमें दिखाया गया है एक पैन ये है एक पैन ये है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे और जिन बच्चों ने बुक्स और कॉपी अभी परचेज नहीं करी है हमारे दोनों स्कूल से ओपन हैं ऑफिस टाइम है नाइन ए एम टू ट्वेल्व पी एम आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं बुक्स कॉपी परचेस करें सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास बाय थैंक यू